नमस्कार दोस्तों, डीएस सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक मिक्सर मशीन के नए मोटर का इंस्टॉलेशन। पुराना मोटर हमने पहले से खोल के निकाल लिए हैं, निकाल करके ये नया मोटर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे और नया इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। इसको हमने खोल के पहले से रख लिया है, खोल दिए हैं। अब ये हमारा नया मोटर है, नए मोटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसमें और इसका कनेक्शन, ये सारी जानकारियाँ मिलेगी आपको। पहले ये सारी चीज़ों खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको इस मोटर का इंस्टॉलेशन करना है। इसको हमने खोल लिया। खोलने के बाद देखिए, इस मोटर को हमको इसमें नए मोटर को इसमें इंस्टॉल करना है। इस तरीके से इसमें बैठा दीजिए। बैठाने के बाद ऊपर वाले पेज को पहले कस लीजिए। ये मोटर मार्केट में आपको 700-750 में मिल जाएगा। आप अपने घर पे ही अपने मिक्सर का मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं। मिक्सर का मोटर अक्सर जलने के बाद लगभग चेंज ही करना पड़ता है। इसमें नई बैंडिंग नहीं की जाती है, की भी जाती है तो वो सही तरीके से हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं डाउट रहता है। इसका जो मोटर आता है वो पहले से इसको मशीन से सारा नया सिस्टम ही डालना पड़ता है। और देखिए इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये रोटरी है, रोटरी में हम लोग पहले तीन तार, इसमें चार तार, आपको समझ नहीं आ रहा होगा चार तार क्यों निकाले जाते हैं। चार तार इसमें लो, हाई और एक लो, हाई, मीडियम, तीन वायर है ना, और एक चार है जो न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल हमारा इसमें डायरेक्ट दिया जाता है। देखिए ये इस स्विच से हम लोग इसका न्यूट्रल जोड़ दिए हैं। न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल यहाँ से हमने दिए, ये हमारा फेस हो गया, तीनों तीनों फेस हो गया। ये फेस हमने बाहर से ला करके इसमें जोड़े हैं। ये देखिए न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हमारा मोटर से निकला है, डायरेक्ट इसमें स्विच में कनेक्शन किया गया है। आइए इसको फिर हम लोग चला करके देख लेते हैं कैसे कुछ इसमें डाल करके। देखिए इसमें काम कर रहा है कि नहीं ये मोटर। और ये हमें लगता है हमारा मोटर काम कर रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।